नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं एल्पा रेजिमेंट और आपके साथ मैं हूँ यशी दुबे। आज हम टॉप 5 खबरों में डिफेंस से जुड़ी इन्फॉर्मेशन आपको देंगे, जिसमें सबसे पहले हम बात स्वदेशी रूप से डिजाइन किए गए मॉड्यूलर पुल की करेंगे। इसके बाद हम फ्रांसीसी सेना प्रमुख और भारतीय सेना प्रमुख के बीच सैन्य वार्ता कैसी रही बताएंगे। थर्ड न्यूज में हम बताएंगे कि नौसेना प्रमुख ने अपने बयान में ब्रह्मोस को लेकर क्या कहा है। वही फोर्थ न्यूज में हम बताएंगे कि चंद्रमा पर इंडियन सिटीजन्स की लैंडिंग कब हो सकती है। और लास्ट में हम बताएंगे कि विदेश मंत्री ने खालिस्तानी तत्वों की आलोचना करते हुए क्या कहा। तो पूरी इन्फॉर्मेशन को जानने के लिए हमारे इस वीडियो को एंड तक जरूर देखें। अल्फा रेजिमेंट, अर्न यूनिफॉर्म, अर्न रिस्पेक्ट, प्रेजेंस डिफेंस न्यूज। स्वदेशी रूप से डिजाइन और निर्मित मॉड्यूलर पुल भारतीय सेना में शामिल। इंडियन आर्मी ने अपने इंजीनियरों की ब्रिजिंग कैपेबिलिटीज को बढ़ाते हुए 46 मीटर लंबे मॉड्यूलर ब्रिज को अपनी सेना में शामिल कर लिया है। रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन द्वारा डिजाइन और लॉर्सन और टुब्रो द्वारा बनाया गया ये ब्रिज एक मैकेनिकल रूप से लॉन्च किया गया सिंगल स्पैन असॉल्ट ब्रिज है। आपको बता दें, पुलों को मशीनीकृत संचालन की हाई स्पीड के साथ अलाइन करते हुए रैपिड डिप्लॉयमेंट और रिकवरी के लिए डिजाइन किया गया है। वरिष्ठ अधिकारी के मुताबिक अगले 4 सालों में इसमें 2585 करोड़ के कुल 41 सेट धीरे धीरे शामिल किए जाएंगे। फ्रांसीसी सेना प्रमुख ने सेना प्रमुख मनोज पांडे के साथ सैन्य सहयोग बढ़ाने पर की चर्चा। रक्षा मंत्रालय ने प्रेस रिलीज में बताया कि फ्रेंच आर्मी प्रमुख जनरल पियर शिल ने मिलिट्री जनरल मनोज पांडे से मुलाकात की और दोनों आर्मीज के बीच द्विपक्षीय सहयोग को मजबूत करने पर चर्चा की गई। जनरल पियर शिल ने नेशनल वॉर मेमोरियल पर इंडियन आर्म्ड फोर्स के शहीद नायकों को श्रद्धांजलि अर्पित की। इस दौरान फ्रेंच आर्मी चीफ को गार्ड ऑफ ऑनर दिया गया। आपको बता दें, जनरल शिल 27 से 29 फरवरी तक भारत की 3 दिवसीय यात्रा पर हैं। अपनी यात्रा के दौरान वो डिफेंस इंडस्ट्री रिप्रेजेंटेटिव्स के साथ बातचीत करेंगे और राजस्थान में पिनाका फायरिंग प्रदर्शन भी देखेंगे। नौसेना प्रमुख ने अपने बयान में कहा कि ब्रह्मोस एक शक्तिशाली मिसाइल है। नेवल चीफ एडमिरल आर हरि कुमार ने अपने बयान में कहा कि ब्रह्मोस एक पावरफुल मिसाइल है और ये अपनी रेंज कैपेसिटी और अन्य पहलुओं के मामले में डेवलप हो रही है। आपको बता दें, नेवल चीफ का ये स्टेटमेंट सिक्योरिटी के मद्देनजर कैबिनेट कमेटी द्वारा 200 से ज्यादा ब्रह्मोस मिसाइलों और रिलेटेड इक्विपमेंट को मंजूरी देने के कुछ दिन बाद आया है। इसकी कॉस्ट लगभग 19,000 करोड़ बताई जा रही है। इसके अलावा एडमिरल आर हरि कुमार ने ब्रह्मोस की कैपेसिटी, डेवलप रेंज और इसके प्रोडक्शन में भारत की आत्मनिर्भरता की सराहना की है। 2040 तक चंद्रमा पर इंडियन सिटीजन के उतरने की संभावना। इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन को 2040 तक चंद्रमा पर एक इंडियन सिटीजन को उतारने की संभावना है। इस बात की घोषणा इसरो के चेयरमैन एस सोमनाथ ने 22वें नेशनल स्पेस साइंस सेमिनार के उद्घाटन के दौरान की है। इसरो के सपोर्ट से गोवा यूनिवर्सिटी द्वारा ऑर्गेनाइज्ड सेमिनार का उद्देश्य स्पेस टेक्नोलॉजी और सोसाइटी के बीच के अंतर को खत्म करना है। वहीं इस दौरान एस सोमनाथ ने कहा कि चंद्रमा पर सफल लैंडिंग हासिल करने से पहले इस पर लगातार एक्सपेरिमेंट किए जा रहे हैं। विदेश मंत्री ने खालिस्तानी तत्वों को विदेशों में मिल रही जगह की आलोचना की। विदेश मंत्री एस जयशंकर ने चरमपंथी खालिस्तानी एलिमेंट्स को विदेशों में मिल रही जगह की आलोचना करते हुए कहा कि ये फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन नहीं बल्कि इसका मिसयूज है। उन्होंने कहा कि किसी भी देश के लिए अपनी प्रतिष्ठा के लिए गलत मैसेज भेजना अच्छी बात नहीं और उम्मीद जताई कि इंडियन मिशन्स पर हमला करने वालों के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। वहीं कनाडा की सिचुएशंस को लेकर एस जयशंकर ने कहा कि सरकार को कनाडा में वीजा के मुद्दे को सस्पेंड करना पड़ा क्योंकि भारत के डिप्लोमेट काम पर जाने के लिए सुरक्षित नहीं थे और उन्हें बार बार थ्रेटन करने की कोशिश की जा रही थी। तो दोस्तों, ये थी आज की डिफेंस की टॉप 5 न्यूज। ऐसी ही तमाम अपडेट्स के लिए हमारे चैनल अल्फा रेजिमेंट को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। हम आपसे जल्द मुलाकात करेंगे अपनी अगली वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।